आप सभी को जय भीम। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और उस महान विभूति को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने भारत का संविधान लिखकर अनेक दिन दुखियों को उनको मानव मुक्ति का मार्ग दिखाया और पूरा जीवन जो समाज के प्रति समर्पित किया, जो मानवता के पुजारी थे, जो पूरा जीवन भर लोगों के दुख दर्द दूर करने में लगे रहे और उन्होंने आज पूरे मानव जाति के कल्याण हो इसके लिए समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता का जो विचार इस देश को दिया और उसके माध्यम से सारे मानव एक है, सारी स्त्री पुरुष समानता हो देश में, हर एक नागरिकों को सब बराबर के अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी जयंती जो आज पूरे देश में मनाई जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं भारत के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो मानवता का जो रास्ता दिखाया है, समता, न्याय, बंधुता की सीख हमें दी है, उस सीख पर चलकर हमें भाईचारों को आगे बढ़ाना है ताकि इस देश का जो विकास है वो पूरी तरह से हो सके। और ख़ास कर मैं बाबा साहब को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सारे, चाहे महिला हो, कामगार वर्ग हो, समाज के हर तबके के लिए जो उन्होंने काम किया है, हर एक को समानता मिले, हर एक को न्याय मिले, हर एक को अधिकार मिले, इसलिए इस भारत के संविधान में सारी चीज़ को उन्होंने सम्मिलित कर सभी को एक जगह पर लाके रखा है। ऐसे महान विभूति की आज पूरा विश्व ये जयंती मना रहा है। मैं आप सभी को फिर से एक बार सामाजिक न्याय विभाग की ओर से भी आपको सबको परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे लगता है कि इस जयंती को हमने त्यौहार की तरह मनाना चाहिए, ऐसी आशा भी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।